नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है हमारा मैट पेंटिंग, जो हम लोग फोटोशॉप में बनाते हैं उसे हम लोग किस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट कर सकते हैं 3D लेयर्स के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन मूवीज़ वगैरह में भी ये बहुत यूज़ होते हैं। आप लोग इंस्टा वगैरह में भी रील्स देखते होंगे ऐसा कुछ। तो चलिए मैं आज वही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से यूज़ में ले सकते हो अपने आफ्टर इफेक्ट्स में मैट पेंटिंग को, किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे फोटोशॉप से जो हम लोग मैट पेंटिंग बनाते हैं उसे आफ्टर इफेक्ट्स में। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, एक बैकग्राउंड इमेज आप ऐसा स्काई का ले लो, जो मैंने ले रखा है यहाँ पे। तो इस पर मैं लेके आता हूँ कुछ इमेजेस। तो सबसे फर्स्ट मैं ये माउंटेन वाली इमेज को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, एंड देन माउंटेन इमेज को आप चाहो तो मास्क कर लो या फिर आप सिंपल सा ड्रैग करके आप इसको सिलेक्ट कर लो प्रॉपर वे में। तो मैं क्विक सिलेक्शन में जाता हूँ एंड देन इस माउंटेन को कम्प्लीटली मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे आपको सिलेक्ट करने हैं, एंड देन कंट्रोल जे कर देता हूँ लेयर वाया कॉपी, एंड देन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे। मीन्स फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्काई मैंने माउंटेन ऐसा कुछ लेके मैं आ गया जैसा मुझे चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरह से एक बड़े से मैंने माउंटेन ले लिया। आप चाहो तो इसकी एक और कॉपी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मैंने अभी रख दिया यहाँ पे। फिर से मैं गया एक और इमेज लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं इसे लेके आ जाता हूँ कार वाली इमेज, लेकिन मुझे सिर्फ ये ग्राउंड चाहिए, मुझे स्काई नहीं चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया। अब चले जाना सिलेक्शन में एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है स्काई। तो ये क्या करेगा, पूरे स्काई को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा कुछ इस तरह से। अगर प्रॉपर वे में नहीं किया तो आपको फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने हैं, बिकॉज आपने स्काई सिलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। यहाँ पे भी मैं वैसे ही कर लेता हूँ सिंपल वे में सी। ओके, तो एक बार जब आपके कुछ इस तरह से सिलेक्शन हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट आई कर लो, क्योंकि मुझे इन्वर्स करने हैं सिलेक्शन ना कि स्काई को, कंट्रोल जे। अब मैं क्या करूँगा, जो ये जो मेरा इमेज है मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे जहाँ मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल टी एंड देन मैं थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से जो इमेज मेरे पास है। फाइन, तो कुछ इस तरह का मैंने बना दिया यहाँ पे कुछ ऐसा। माउंटेन भी यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ माउंटेन को भी, एंड देन मैं चाहता हूँ कोई एक कैरेक्टर को भी इसके ऊपर लेकर आने के लिए, तो यहाँ पे इसे भी लेकर आ जाओ। एंड देन मुझे सिर्फ इसी को ही सिलेक्ट करना है जो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर है। तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में गया एंड देन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इसे प्रॉपर वे में सी। एंड देन इसको एक बार सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल जे कर दो अगेन, एंड देन इसे भी मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। फाइन, तो कुछ इस तरह से मैंने एलिमेंट ले लिए हैं कुछ, कंट्रोल टी थोड़े से रिड्यूस कर देता हूँ हाइट एंड देन इसको यहाँ पे ऐसे बैठा देता हूँ। ओके, जैसे आपको चाहिए होंगे। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्काई को डबल क्लिक करके मैं लेयर में ब्रेक कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मुझे ये कुछ ऐसे चाहिए, रेडिश कलर में मुझे चाहिए होंगे। एंड देन मुझे एक और भी चीज़ एलिमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन वो है हमारा, तो मैंने मून भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप चाहो तो मून को भी सिंपल सा सिलेक्ट कर लो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में एंड देन क्लिक कर दो यहाँ पे, सिंपल सा जाना है एंड देन मून को आपको क्लिक कर देना है या ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लो, किसी भी तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो रिमूव बैकग्राउंड कर दो कुछ ऐसा एंड देन मून को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। जैसा आपको चाहिए होएगा वैसे आप यहाँ पे बना लो, कंट्रोल टी, बहुत बड़ी साइज है तो मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ। फाइन, कुछ ऐसा जैसा आपको चाहिए होगा वैसा आप ले लेना। तो मेरा कुछ इस तरह से मैंने बहुत ही कम एलिमेंट ऐड किए हैं, इमेजेस ऐड किए हैं, बाद में मैं और भी एलिमेंट ऐड करूंगा, बट वो थोड़ा सा इमेज नहीं होंगे, वो वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे तो मैं उसे यूज़ में लूँगा। तो अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे कलर मैच कराने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे कलर मैच कराना, क्योंकि आपको देख सकते हो कि स्काई के कलर रेड हैं एंड देन माउंटेन के कलर रेड नहीं आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसी को सिलेक्ट कर लेना आप जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, ये मून को आपको मास्किंग में मत लेके जाओ, बेटर है कि राइट क्लिक करो एंड देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो, अभी ठीक है। माउंटेन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, चले जाना है आपको लेयर में, आई मीन इमेज पे चले जाना है, एडजस्टमेंट एंड देन मैच कलर पे चले जाओ।
मैच कलर में आपको करना क्या है, फर्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि आपको तो यहाँ पे चाहिए, एंड देन यहाँ पे आपको लेना है। तो आपको लेयर टू पे आप जैसे ही जाओगे तो आप देख सकते हो कि जो आपके स्काई के कलर है उसी के कलर पे यहाँ पे आ गए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ल्यूमिनेंसिटी आप कम कर लो, ल्यूमिनेंस कम कर दो। आप यहाँ पे कलर इंटेंसिटी कम कर सकते हो, फेड को भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, मीन्स सिमिलर कलर को आपको ले लेना है। सेम थिंग मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा, ये हो गया हमारा। अब मुझे इसके ऊपर ये कार वाले जो हैं वो चाहिए होंगे, उसे सिलेक्ट कर लो, इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ, एंड देन मैच कलर पे चले जाओ। अगेन सेम थिंग, फर्स्ट आपको जो आपके स्काई हैं वो उसको पिक कर लो, एंड देन यहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हो उसी, जैसा भी आपको चाहिए आप वैसे यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन पे रख सकते हो। तो ये भी ठीक है मेरा, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो मेरा सारा प्रॉपर वे में है, एक्सेप्ट दिस वन फाइन। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ मून को कुछ ऐसे, फाइन। थोड़ा सा ग्लो आपको कराने है मून को, तो डबल क्लिक करके यहाँ पे चले जाओ आउटर ग्लो, एंड देन यहाँ पे कलर चेंज कर दो आप वाइट। ओके, थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देता हूँ मैं, बट हाँ थोड़े से आपको ले लेने हैं कुछ ऐसे, जितना आपको चाहिए होगा आप उतना यहाँ से ले सकते हो कुछ ऐसे, फाइन। तो कुछ इस तरह से मैंने ले लिया, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से मैंने सीन सेटअप बना लिए हैं कुछ ऐसे। अब इसको करना क्या है, आपको सेव कर लेने हैं फोटोशॉप फाइल पे ही। तो फाइल सेव एज करो, एंड देन यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ मैट पेंटिंग। ओके, बट सेव हमेशा आपको PSD फाइल फॉर्मेट में ही करने हैं, फोटोशॉप फाइल पे ही। तो सेव कर दो, दैट्स इट, हो गया हमारा फोटोशॉप का काम। बेसिक 3-4 इमेजेस मैंने रखे हैं, उससे ज़्यादा रखा नहीं, आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब आपको आ जाने हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट, आप ले लो, एंड देन डबल क्लिक करने हैं, और आपको ले लेना है अपने जो मैट पेंटिंग बनाए हैं। आप मैट पेंटिंग आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो, 720 में बना सकते हो, 1080p में बना सकते हो, 4K में बना सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ में बनाना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लेके आता हूँ अपने इमेज को, जो मैंने मैट पेंटिंग बना रखे हैं। तो मैट पेंटिंग के लिए, तो यहाँ पे मेरा मैट पेंटिंग को मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन को, राइट। तो कॉम्पोजिशन आपको लेने हैं, ना कि आप फुटेज ले लेना और कुछ भी मत लेना, आप सिंपल सा जाना है एंड देन कॉम्पोजिशन ही रखने हैं यहाँ पे। ओके, एंड देन मर्ज लेयर मत कर लेना, ये आपको सेटिंग्स हैं, ओके कर दो, आप डबल क्लिक कर दो सिंपल वे में, तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे जितने भी आपने ले रखे थे लेयर्स वाइज। सी, तो सारे लेयर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो ए वन बाय वन आप चेक कर सकते हो। लाइक मेरा फर्स्ट स्काई है यहाँ पे, सेकंड आपका यहाँ पे मून है, थर्ड आपका माउंटेन है, फोर्थ में कार वगैरह हैं, व्हीकल्स हैं, एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके ये जो कैरेक्टर है। ओके, अब ये सबको कन्वर्ट कर लेने हैं आपको 3D वाले में। तो 3D को जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने लेयर्स में लिए थे सारे 3D में कन्वर्ट हो गए हैं। एक दो चीज़ें मुझे और भी ऐड करनी है यहाँ पे, तो मैं वो वीडियो फाइल को मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, मैं इमेजेस नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो मैं दो और मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, एक बर्ड वाला है मेरा फुटेज, वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़े से पास में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फॉग वाले भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे, तो आपको फॉग एंड देन वो साथ साथ ही आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो वीडियोस मैंने ऐड कर लिए, एक बर्ड्स का है एक फॉग का है, जो मुझे फॉग क्रिएट करने हैं यहाँ पे। तो आप वो ले लो, फॉग को आप चाहो तो आप और भी ऊपर के लेयर में आप रख सकते हो कुछ ऐसे, आप देख सकते हो कि फॉग कुछ इस तरह से चल रहे हैं, मुझे यही चाहिए एक्चुअली। तो अभी तो मेरे पास कुछ ऐसे आ गए हैं इमेजेस, मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको चाहिए होगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, और आपको यहाँ पे जाने होंगे नीचे में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप जाओ, एंड देन इसको एनेबल कर दो, एक्सपेंड को कर दो अपने इफेक्ट्स को। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ये जो ब्लैक वीडियो है आप ब्लैक को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो अपने ब्लेंडिंग मोड के थ्रू, जस्ट क्लिक करने हैं, एंड देन आपको यहाँ पे ले लेना है स्क्रीन, ब्लेंड हो गए। अगेन मुझे बर्ड वाले को भी सिलेक्ट कर लेने हैं जो मैंने वीडियो लिए हैं, उसे भी आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग में जाना है, एंड देन आपको ले लेना है स्क्रीन। तो आपको कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, सभी कुछ यहाँ पे है, बट ये 3D लुक दे नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। अब यहाँ पे मेन गेम है कि आपको कैसे एडजस्ट करने हैं सारे चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट मुझे करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करने हैं,
और एक आपको कैमरा ले लेना है। तो आपको कैमरा यहाँ पे ले लेना है, आपको जो भी कैमरा मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे टू पॉइंट्स कैमरा रखना है, फर्स्ट एंड देन कस्टम है, बिकॉज ऑफ कि मेरा जो साइज़ है वो 1920 के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं कस्टम ही रखूँगा, एंड देन ओके कर दो। तो कस्टम से क्या होता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइज़ लिया है उसके अकॉर्डिंग ही कैमरा फिट होकर आती है यहाँ पे। तो मैंने कैमरा ले रखा है यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, कैमरा होने के बाद आपको यहाँ पे व्यू चेंज कर देने हैं, वन के जगह आपको दो ले लेने हैं, बिकॉज आपकी मान के चलो कि ये वाला आपका आउटपुट देख सकने देखने के लिए एक्टिव कैमरा का। एंड देन यहाँ पे आपको एडजस्ट करने हैं सारे लेयर आगे पीछे करके, ओके कि फर्स्ट में कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, फोर्थ में कौन रहेगा, फिफ्थ में कौन रहेगा, ऐसे आपको अरेंज करने हैं। ओके तो सबसे फर्स्ट मुझे यहाँ पे लेयर ज़ीरो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे जूम कर दो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका कैमरा है, कैमरा को तो आप ऊपर रख दो सबसे, ओके तो आपका कैमरा यहाँ पे है, फाइन। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे सबको सेट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लेयर ज़ीरो को जहाँ है वहीं रहने दो, बिकॉज लेयर ज़ीरो मीन्स आपका स्काई है। दूसरे लेयर पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं एंड देन खींच के आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने हैं, राइट। ये आपका माउंटेन है, आई मीन ये आपका मून है, एंड देन ये आ जाता है आपका माउंटेन, इसको भी आप थोड़ा सा सामने लेके आ जाओ, सी। तो आप देख सकते हो कि सबसे पीछे में आपका स्काई है, उसके बाद मून है, एंड देन यहाँ पे आपका आ गया माउंटेन। उसके बाद फिर से आपको माउंटेन के बाद आपको लेके आने हैं अपने बर्ड्स वाले को, तो आप बर्ड को लेके आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद फिर से लेयर आता है जो कार वाले लेयर्स थे, वो भी मैं यहाँ पे जस्ट ड्रैग करके सामने लेके आ जाता हूँ, इस तरह से सामने लेके आ जाओ। देखो आप लेयर वाइज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद फॉग हमारा है, फॉग को भी आप लेकर आ जाओ कुछ इस तरह से, फ्रंट पे ही रख दो फॉग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन फाइनली जो कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे लेके आने हैं। तो कैरेक्टर को आपको, कैरेक्टर एंड देन कार को आप एक साथ ही रखो यहाँ पे, अदरवाइज वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ले लिया है, जूम करके आप थोड़ा सा उसको प्रॉपरली अरेंज कर लेना है यहाँ पे, बस हो गया। तो इतने एलिमेंट्स मैंने डाल दिए यहाँ पे, आप जो लेयर्स में देख रहे हो। अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, कैमरा को एनिमेट करना है। तो मैं क्या किया, मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे कैमरा को मैं गया, एंड देन कैमरा को एनिमेट करने का मतलब है कि मुझे कैमरा को फ्रंट की तरफ कुछ ऐसे लेके जाने हैं, बस यही करना है, या फिर आप इसको धीरे धीरे बैक की तरफ ले लो, ये भी बहुत अच्छे दिखते हैं मुझे, ओके। तो सबसे फर्स्ट में आप क्या करो, चले जाओ आप 10 फ्रेम्स में चले जाओ, सबसे बेस्ट है। एंड देन 10 फ्रेम में मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे 10 फ्रेम पे मैंने क्या किया, पोजीशन जो है ना उसके पोजीशन को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि मैं 10 को ऐसे ही रखूँगा। बट यहाँ पे फर्स्ट में मैं क्या करूँगा ना, उसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, जूम जैसा कर लेता हूँ, ओके। तो जब आप एनिमेट करके देखोगे इसे तो कुछ इस तरह से आएंगे, फाइन, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका थोड़े से मैट पेंटिंग स्टाइल के हो गए, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़े से ना थोड़ा सा मूव होता हुआ सा दिखे, थोड़ा जैसे जैसे जूम हो माउंटेन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाए तो थोड़ा सा रियल जैसे फील आएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो माउंटेन है, या तो मुझे यहाँ पे माउंटेन को भी थोड़ा सा हटाना है, इसको भी थोड़ा सा आप हटा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा कि मेरा यहाँ पे माउंटेन वाला जो लेयर है, मैं माउंटेन की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल डी, राइट। एंड देन यहाँ पे माउंटेन को मैं क्या करता हूँ, एक और कॉपी कर लेता हूँ माउंटेन को, फाइन। एंड देन थोड़े से मैं इसको अलग कर देता हूँ कुछ ऐसे, अपने हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एंड देन माउंटेन को मैंने कुछ ऐसे ले लिया यहाँ पे, थोड़े से हाइट कम, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप ले लो। तो माउंटेन को मुझे एनिमेट करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, माउंटेन को सिलेक्ट करके सेट की कर दो। एंड देन यहाँ पे माउंटेन को आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, एंड देन स्केल को आपको, सॉरी स्केल नहीं, इसके पोजीशन को आपको लेना है, एनिमेट करना है। तो पोजीशन को मैंने क्लिक किया, 10 नंबर फ्रेम पे गया, एंड देन इसकी जो पोजीशन है वो हल्की से साइड कर दिया मैंने, एकदम लाइट स्लाइटली। एंड देन ये वाले जो और भी माउंटेन है उसके भी पी प्रेस कर देता हूँ, पोजीशन स्टार्टिंग में क्लिक कर दो आप स्टॉप वॉच को, एंड देन 10 फ्रेम्स में जाकर अगेन इसे भी इस तरफ कुछ ऐसे ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जब भी एनिमेट होगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, थोड़े से एनिमेट होता हुआ सा दिखेगा आपको।
फाइंड, कुछ ऐसा। ओके, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, कैमरा को भी थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, एंड देन जैसा भी आपको एनिमेशन चाहिए होगा वैसा आप ले सकते हो, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे वन व्यू में कर लो काम कुछ ऐसा सी। तो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट जो आप देख सकते हो यहाँ पे। फाइन, तो ये था हमारा मैट पेंटिंग के ऊपर, जो 3D लेयर्स कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हो अपने मैट पेंटिंग को। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।